नमस्कार, आज हम बात करेंगे इनहेलर्स की। आपके COPD, एस्थमा और इस तरह की सांस की अन्य बीमारियों के लिए इनहेलर्स बहुत ज़रूरी दवाई है। इनहेलर्स आपके दोस्त हैं, इनसे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपके डॉक्टर्स ने आपकी उम्र को, आपकी बीमारी को देखते हुए, आपके दूसरी चीज़ों को देखते हुए आपको अलग अलग तरह के इनहेलर्स दिए होंगे, जैसे ड्राई पाउडर इनहेलर्स हुए या जैसे मीटर डोज इनहेलर्स हुए। इस तरह के इनहेलर्स किस तरीके से उपयोग करते हैं आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम ड्राई पाउडर इनहेलर्स से शुरू करते हैं। इस ड्राई पाउडर इनहेलर्स को लेने के लिए इसमें कुछ दवाएँ होती हैं जो हम इन कैप्सूल्स में बंद रहती हैं। ये अलग अलग कलर्स में आपको मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी दवाई कौन सी है। इसमें से हम एक कैप्सूल ले लेंगे, फिर उस कैप्सूल को हम इस डिवाइस में अंदर डालेंगे जिसे रोटा हीलर कहते हैं। इस डिवाइस में डालने के बाद इसको हमें तोड़ना होगा। जब ये इनहेलर, इसको हम गोल घुमाएंगे, ये आधा कैप्सूल इसमें टूट के गिर जाएगा। जब ये कैप्सूल टूट के गिरेगा तब हमें इसे, इसकी जो दवाई है उसे हम अपने सांस में अंदर लेना है। उसके लिए पहले गहरी सांस अंदर लेके बाहर छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद इसे अपने दांतों से पकड़ेंगे और होंठों से बंद करेंगे। फिर उसके बाद एक गहरी अंदर सांस अंदर खींचनी है, एक बार में लगातार गहरी अंदर सांस, और उसके बाद फिर सांस हमें रोकनी होगी। तो शुरू करते हैं। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर सांस रोकिए और फिर उसके बाद धीरे से छोड़िए। बाकी बचे कैप्सूल जिसके अंदर की दवाई अब खत्म हो चुकी है उसे हम फेंक देंगे। इस डिवाइस को 3 से 4 दिनों में जब ये गंदा हो जाए तब इसको धो के, पर इस कपड़े से पोंछना नहीं है, इसको साबुन के पानी से धो के उल्टा रख देंगे जिससे कि ये सूख जाएगा। कुछ दूसरी तरह की डिवाइसेस जो होती हैं उसमें इस तरह के स्लॉट्स रहते हैं जिसमें हम ये कैप्सूल को अंदर डालेंगे और उसमें ये दो जो बटन हैं इनको हम दबाएंगे। इनके बटन दबाने के कारण इन कैप्सूल्स में छेद हो जाता है, आगे की प्रक्रिया वैसी ही रहती है। बाहर सांस निकालेंगे, इसको मुंह के अंदर रखेंगे और गहरी अंदर सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। इन कैप्सूल्स में अक्सर स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेरॉइड्स आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये फेफड़े की सतह पे रह के वहीं पर उनका असर दिखाते हैं और ये आपके अस्थमा, COPD जैसे बीमारियों के लिए बहुत असरकारक और बहुत आवश्यक भी हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब आप ये इनहेलर लेंगे उसके बाद मुँह में पानी का कुल्ला करेंगे, या तो उसको फेंक दीजिए या पी जाइए, जिससे कि जितनी भी दवाई जो आपके मुंह के अंदरूनी सतह में जमा हुई है वो दवाई निष्प्रभावी हो जाए, वो धुल जाए, तो जो थोड़ा बहुत परसेंटेज चांस भी है आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने का वो ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल and press the bell icon to get the latest healthcare updates.